परिस्थिती आहे की विचारू नका, त्या मानाने आपण फार चांगले आहोत म्हणून सुदैवानं आणि दुर्दैवानं, कारण ही परिस्थिती आपल्यावर ओढावली. त्यामुळे और हम लोगों को भी इस त्योहार में हमारे साथ में मिलजुल कर क्या कहते खुशी के साथ में मनाने का मौका दे. बस ये बात अर्से करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा. और जो उसके आगे तो जो है हमारे हमारे लिए उसके लिए पानी की जरूरत, अपनी बिजली की जरूरत, अपनी सफाई की जरूरत, अपनी उसके तरफ आपने खास जो पुलिस अधिकारी जो मिल जाए. आज अपन इतर जे एक तारखेला बकरीद साजरा होणार आहे त्यासंदर्भात गव्हर्नमेंटकडून ज्या गाईडलाईन्स मिळालेल्या आहेत त्यासंदर्भात आणि शांतता कमिटी आणि परिसर जिल्हाधिकारी साहेब, माननीय एसपी साहेब, माननीय आयुक्त साहेब, माननीय महापौर साहेब और तमाम हाजिरीन मजलिस, मैं तहरीक फरोग इस्लाम के जानिब से हमारे सदर मोहतरम आसिफ सानी साहब के हुक्म पर चंद बातें सर के कहने पे अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि हम लोगों को हर साल की तरह इस साल भी बुलाकर के आने वाला जो वक्त है त्यौहार का बकरीद जिसका हम इबादत के तौर पर मनाते हैं, इसमें जो भी अगर हमसे हमें पेश आने वाली दिक्कतें या अड़चने हैं उसको दूर करने के लिए साहब ने पहले ही उसके जी के साथ में हम लोगों को जमा किया. हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने तलब किया और साथ ही साथ जब से हमारे नए एसपी साहब आए हमारे शहर का माहौल पहले से बहुत बेहतर हो चुका है. हर मामला के अंदर शहर अच्छे तरीके से सुकून से सांस ले रहा है. साथ ही साथ आने वाला जो त्यौहार है, हर साल त्यौहार आता है और चला जाता है, लेकिन इन साल कोरोना के वजह से जो दिक्कतें पेश आने वाली है इस साल हमको बड़े पैमाने पर एहतियात के साथ में इस त्यौहार को मनाना है. अभी तक तो हमारा यही किरदार रहा है सर कि हमने पूरी तरीके से जैसा गाइडलाइंस आई है अपने लोगों को आवाम को समझाया, मसाजिदों से एक कॉर्नर मीटिंग कर लोगों को इसके तरफ गामजन किया कि हमें हुकूमत के साथ में साथ मिलाकर काम करना है और आगे भी करते रहेंगे और यही हमारा काम भी है. आज के दो अजीम त्यौहार, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा जिसे हम बकरीद समझते हैं. कोविड 19 के बाद से हम लोगों ने प्रशासन ने जो भी गाइडलाइन दिया उसका हमने पालन किया, अच्छे तरीके से पालन किया और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे. हम आपके द्वार देते हैं. रहा सवाल बकरीद का सर, तो इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन और खासतौर पर हमारे शहर के दीगर बरादरी के वासी जो हैं, खासतौर से हिंदू भाई और दूसरी कम्युनिटी के लोग, उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को साथ दिया और ये त्यौहार हमेशा अमन और शांति के साथ बना है और बनते आया है. इन साल कोविड 19 को जो भी गाइडलाइन है इंशाल्लाह हम उसका पालन करेंगे सर, और हमारी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे. जैसे कि हमारे मौली साहब ने कहा अगर खुदा ना खास्ता किसी कोई गलती होती है सर तो उसको जगह पर निपटा देंगे, क्योंकि 100% कोई भी चीज दुरुस्त नहीं होती है, 2-4-5% गलतियां होती है सर. तो अगर ऐसी गलती होती है तो हम उसको उसी जगह पे खत्म कर देंगे. कारपोरेशन की जानिब से, पुलिस प्रशासन की जानिब से हमेशा से हम लोगों के लिए कदम उठाया गया, हम लोगों की जरूरतों का पूरा ख्याल किया गया और हमको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिला है. जिस तरीके से पिछले सालों में हमें शिकायत का मौका नहीं मिला है, हम आशा करते हैं आदरणीय जिलाधिकारी साहब से, कारपोरेशन के जिम्मेदारों से, एमएससीबी से कि हमें भी इस साल जो है शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और कोविड-19 के जो भी गाइडलाइन है सर हम उसमें बाधा नहीं डालेंगे, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे. इंशाल्लाह हमारे उलमा इकराम इस सिलसिले में बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. जुमा के दिन भी और इससे पहले भी बहुत सारी मीटिंगों में हमारे उलमा इकराम जितने बैठे लोगों को समझा दिए सर. इंशाल्लाह ताला हम गवाही देते हैं कि आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ हम आपका साथ चाहते हैं, आपका विश्वास चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे जो काम है वो अंजाम देंगे. इतना कर मैं अपने दरख्वास्त खत्म करता हूँ. खुदा हाफिज़. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचा एक कली कार्यक्रम नाही आहे, त्यामुळेच आपल्याकडच्या ज्या सूचना आहेत आताच महापौर धुळे शहराचे महापौर इथे उपस्थित झाले, मी त्यांचं देखील स्वागत करतो. त्यांचा देखील चांगल्या योजना राबवण्यात, काल 2 दिवस आपण पाहिलं की जनता कर्फ्यू राबवण्यात त्यांचा देखील फार चांगला. वक्त हमने घरों में नमाज अदा की थी, इस बार भी हमको वैसा ही करना है. ईदगाह में हम जाएंगे नहीं, मस्जिद में जाएंगे नहीं, कोई सार्वजनिक जगह पर जाकर इज्तिमाई. सध्या कार्यान्वित असणारे जनावरांचे बाजार बंद राहतील,
नागरिकांना जनावरे खरेदी करायची असल्यास त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने अथवा दूरध्वनीद्वारे जनावरे खरेदी करावी. जो बाजार आपल्या पास म्हणजे सामूहिकरित्या ती द्यायची नाही त्यांनी सांगितलेलं आहे, परंतु जे गोष्टी होतात किंवा रक्त आहे वगैरे तर ते त्याची व्यवस्थित विल्हेवाट करून साफ स्वच्छता ठेवणं ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी. ती जर केली तर कुठेही त्रास होऊ नये, कारण जेव्हा आपला सण असतो तेव्हा इतरांना आपल्याला आनंद मिळतो तो आनंद वाटायचा असतो. आपल्या आनंदामुळे इतरांना दुःख होईल किंवा इतरांना घृणा वाटेल असं काही करू नये, असं म्हणजे असाच आपला सर्वच धर्म सांगतात बरोबर. त्या पद्धतीने आपल्याला ते करायचंय. आणि आपले पत्रकार बंधू देखील आहेत, त्यांचं देखील या कोविडमध्ये अत्यंत मोलाचा वाटा त्यांनी उचललेला आहे. त्यांच्यापैकी काही जण पॉझिटिव्ह देखील झालेले आहेत, ते देखील खरे कोरोना योद्धा आहेत. त्यामुळे पत्रकार बंधूंचा देखील मी आभार मानतो आणि त्यांचं स्वागत देखील. राम है और सभी मुस्लिम संगठन के सभी सदस्य ईद उल जुहा जो जैसा अभी आपने बताया कि अपने दो ही पूरे साल में दो ही अपने ईद आते हैं, एक रमजान ईद आती है और ईद उल जुहा आती है. रमजान ईद के वक्त भी कोरोना का प्रादुर्भाव था अपने तरफ और अभी जो ईद उल जुहा का जो मौका आया है उस वक्त भी इसका प्रादुर्भाव है और हमने देखा कि रमजान के वक्त भी इतने अच्छे तरीके से सभी लोगों ने रमजान का पालन किया, रोजे रखे, सभी इबादतें की, भले वो शबे कदर होगी या कोई कुछ भी हो, बहुत अच्छे तरीके से या किसी बात का कोई उल्लंघन नहीं हुआ. जो कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उसका बहुत अच्छे से पालन किया गया और अभी ईद उल जुहा कई तौर पर हम ये कर सकेंगे, लेकिन अभी का जो मौका है अभी भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन पूरे कंट्री में है, पूरे वर्ल्ड में है. आप सब जानते हैं कि इवन हज को भी पाबंदी लाई गई है, तो ऐसे मौके पर हमारी ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जो कुछ प्रशासन के डायरेक्शंस है, सरकार के डायरेक्शंस है, उसका हम पालन करें और यहाँ का जो माहौल है, अपने सिटी का जो माहौल है, सभी धर्मीय बहुत अच्छे से उसका पालन करते हैं. अभी दो दिन हमने देखा, हमने एक जनता कर्फ्यू का आयोजन किया था. जनता कर्फ्यू कोई मैंडेटरी चीज नहीं होती है, लेकिन आप सभी लोगों ने उसको 100% उसका पालन किया, बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाया है, तो हमको पूरा यकीन है कि इसके आगे भी जो कुछ ईद उल जुहा के मौके पर भी सभी बातों की अच्छे से पालन किया जाएगा. मैं आपसे सभी उम्मीद रखता हूँ. दो तीन बातों पर मैं यहाँ पे मुस्लिम बांधवांपैकी जे जबाबदार व्यक्ती आहेत, समाजामध्ये ज्यांचं प्रतिष्ठित म्हणून गणले जातात त्यांचं स्थान आहे, त्यांच्या मार्फत हा जो संदेश आहे त्याच्या मार्फत ह्या ज्या सूचना आहेत या तळागाळापर्यंत पोहोचाव्यात आणि हा सण आहे तो कोविड 19 या विषाणूमुळे जी झालेली परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा कुठल्याही परिस्थितीत भंग न होऊ देता शांततेत हा सण साजरी करण्यात यावा, तर ही आजची आमची भूमिका आहे. तर आजच्या बैठकीमध्ये आपण प्रथम असं करू की जे काही बांधव आहेत ज्यांना इथे काही विचार मांडायचे आहेत अगदी थोडक्यात, म्हणजे अक्षरशः 1 ते 2 मिनिटात, कारण आपल्याला माहिती आहे की कोविडची परिस्थिती आहे, त्यामुळे जास्त वेळ इथे थांबणं पण योग्य नाहीये, त्यामुळे 1 ते 2 मिनिटात काय जे सांगायचंय थोडक्यात ज्या सूचना मांडायच्या त्या मांडाव्यात, त्यानंतर आयुक्त साहेब बोलतील. नगरसेवक अमीन पटेल, आज जिलाधिकारी साहब ने कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग बुलाई थी. कोविड-19 के चलते बकरीद कैसे मनना चाहिए, गाइडलाइंस क्या है, उसकी सूचना देने के लिए कलेक्टर साहब, आयुक्त साहब, एसपी साहब, महापौर साहब और मुस्लिम समाज के सभी धर्मगुरु और सोशल वर्कर लोग सब मौजूद थे. उसके अंदर कलेक्टर साहब ने बताया कि भाई मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि कोविड-19 शुरू है और कोविड-19 के चलते हमारे शहर के अंदर बहुत सारे कोविड के पेशेंट ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसको ध्यान रखते हुए हमको जो है जैसा ईद हमने हमारे घरों में ईद की नमाज अदा की, उसके बाद में आज बकरीद आई है तो बकरीद की नमाज भी जो है हमारे घरों में अदा होनी चाहिए. इस सिलसिले पे वहां पर चर्चा हुई,
चर्चा होने के बाद में हमारे शहर के सारे ही धर्मगुरु ने ये वादा किया कि हम नमाजें जो है हमारे घरों पे पढ़ेंगे और बकरीद जो है हमारे घरों पे मनाई जाएंगी, हम मस्जिद में निकलकर सामूहिक जो है नमाज पढ़ी नहीं जाएंगी, ये यहाँ पर तय हुआ। और ये वादा किया हमारे मुस्लिम धर्मगुरु ने और सभी सोशल वर्करों ने ये वादा किया, और हम शासन को पूरा मुस्लिम समाज की तरफ से पूरा सहयोग करेंगे और कोई भी गाइडलाइंस के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग नहीं जाएंगे, ऐसा ये वादा हमारे धर्मगुरु ने किया है कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, और इंशाल्लाह हम इसकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी बात है।